प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे आरिफ अजाकिया साहब को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और कश्मीरी शेरनी याना मीर, जिनका भी हाल ही में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो स्पीच है वो काफी ज्यादा वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने पूरे पाकिस्तान को उधेड़ के रख दिया। तो इस वीडियो में आप देखेंगे याना मीर का धमाकेदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। अरे दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम हैं याना मीर जी के साथ। याना मीर जी कश्मीर की बेटी, भारत की बेटी, आजकल लंदन आई हुई हैं। आज से दो दिन पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कश्मीर पे कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने बड़ा खुल के अपने ख्यालात बताए। उन्होंने भारत के हवाले से, कश्मीर के हवाले से जो प्रोपेगेंडा है उसके हवाले से काफ़ी बेबाक बातें की। तो आज याना जी ने हमें मौका दिया है कि हम अपने दर्शकों को उनके ख्यालात सुनाएं। याना जी, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम। थैंक यू सो मच आरिफ साहब, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। याना जी, शुरू करते हैं पहले कश्मीर से। आप कश्मीर में रही हैं, आप कश्मीर की हैं, जरा बताइए क्या फर्क है कश्मीर आज से 10 साल पहले में और आज के कश्मीर? 10 साल पहले देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इतने टूरिस्ट तो पहले नहीं आते थे, औरतों को इतनी आज़ादी पहले नहीं होती थी, लोगों को खुल के जीने की जो आज़ादी, ऐसी डर से उनको आज़ादी मिल गई है। डर, डर यानी क्या होता था, पेरेंट्स हमेशा डरे हुए होते थे कि हमारे बच्चे गलत सोहबत में ना चले जाएं। आज निकला है कॉलेज जाने के लिए, कल किसी मिलिटेंसी ग्रुप में ना भर्ती हो जाए, जाकर ड्रग्स में ना मुलव्वस हो जाए। क्योंकि आप तो जानते हैं कि किसी भी सोसाइटी में अगर नफरत फैलानी है तो पहले जो है ड्रग्स का जहर यूथ के रगों में इंजेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो ड्रग्स से जो है नफरत बढ़ती है, नफरत करने की वो जो फीलिंग वो बढ़ती है। तो ये सब कुछ फैलाया, सिर्फ रेडिकलाइजेशन नहीं किया था पाकिस्तान में, ये सब कुछ ड्रग्स भी फैलाया हमारी सोसाइटी में। आज भी जो है बहुत सारे एनजीओज हैं, गवर्नमेंट फंडेड एनजीओज भी हैं, जो ड्रग्स से यूथ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो, इतने सालों से जो वो चल रहा था उससे इतने जल्दी निकलना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हालात कुछ ऐसे थे, लड़कियों को फ्रीडम नहीं थी, ना स्पोर्ट्स ज्वाइन करने की फ्रीडम थी, ना सेल्फी लेती थी। और आज देखो, रैपिंग करते हुए आपको सड़कों पे नजर आएंगी कश्मीरी लड़कियां, स्पोर्ट्स में इंडिया के लिए मेडल्स जीत रही हैं। टूरिज्म के हवाले से आप देखो, टूरिज्म इतना बढ़ चुका है बिकॉज लोगों को अब कॉन्फिडेंस है कि कश्मीर भाई हम सेफली घूम सकते हैं। लेकिन देखिए, पहले भी मैं आपको बता दूँ, कश्मीर में कोई टूरिस्ट को हाथ छूता नहीं था, टूरिस्ट को हार्म नहीं करता था, मगर एक डर तो रहता था ना टूरिस्ट के दिल में। तो ये चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें। इकोनॉमी अगर आप देखें वहाँ पर पहले क्या होता था, सिर्फ हड़तालें होती थी, स्कूलें बंद होती थी, कॉलेजेस बंद होते थे, ऑफिसेस बंद होती थी, दुकानें शटर डाउन होते थे, 500 रुपीज पर डे के हिसाब से प्रोटेस्ट होते थे, स्टोन पेल्टिंग होती थी, उनको मिलते थे पैसे ये सब करने के। लेकिन अब सब बंद हो गया, एनआईए ने शिकंजा कस लिया है, इलीगल फंडिंग अब नहीं होती, और लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने वाले या तो जेल में या मर चुके हैं। सैयद अली शाह गिलानी साहब नहीं रहे, यासीन मलिक जेल में, आसिया अंद्राबी जेल में है। तो हमारी सोसाइटी के परपेट्रेटर्स आज जेल में हैं। आज जो हमारी सोसाइटी है वो तरक्की की तरफ चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। याना जी, पाकिस्तान ने अभी जैसे 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया और उसमें दुनिया भर में पाकिस्तान एम्बेसीज ने प्रोग्राम किए, ये सब किया, और उसमें ये बताया कि भारत में, कश्मीर में भारतीय फौज अत्याचार कर रही है, एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग हो रहा है, मिसिंग पर्संस बढ़ रहे हैं और भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है। आप इसको कैसे देखती हैं? मैं इससे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बताऊँ।
मतलब एक मुझे तो पहली बात हंसी आती है कि हम डिफेंड क्यों करते हैं, हम भारतीय डिफेंड ही क्यों करते हैं, क्यों हमें जरूरत है डिफेंड करने की। पूरी दुनिया ने तो देख ही लिया ना, G20 हो गया ना कश्मीर में, देख लिया, सबको पता है कि तरक्की की राह पे चल पड़ा है कश्मीर, जो आवाम है वो प्रोग्रेस कर रही है, आवाम को जॉब्स मिल रहे हैं, MSME रजिस्ट्रेशन देख के आपको समझ आएगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ऑन द राइज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जाहिर बात है आवाम को जॉब्स मिल रही है, एवरीथिंग इज देयर। Why should we give any explanation to these third world countries like Pakistan? मगर ये है कि हम भारतीय मिलके आवाज क्यों नहीं उठाते, हमारे जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, जो हमारे भाई बहन वहां फंसे हुए POJK में, उनके लिए हम आवाज क्यों नहीं उठाते भाई। उनकी दुख तकलीफ को हम यूज करते हैं पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाने के लिए, जा आटे की लाइन में खड़ा हो जा। अरे लेकिन वो जो POJK में जिनको आटा नहीं मिल रहा, वो हमारे ही लोग है ना, आवाज उठाना चाहिए हमें उनके लिए। क्यों नहीं हम ट्रक भर के रेडी रखते हैं बॉर्डर पे और पाकिस्तान को बोलते हैं, और जो इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स इदारे हैं दुनिया भर के जो इंडिया पे उंगली उठा रहे हैं, क्यों नहीं हम इंडियंस मिलके ये कहें कि POJK के लोगों के लिए हम आटा भेजेंगे, हम ट्रक्स रेडी करते हैं आटा भर के, पाकिस्तान गवर्नमेंट को बोलो कि बॉर्डर्स खोल दें, हम आटा भेजते हैं। हम क्यों नहीं करते ये, व्हाई डोंट वी डू इट? क्योंकि जरूरी जहां पर है वहां हमें बोलना चाहिए, वो भी अपने ही लोग हैं, अखंड भारत का हिस्सा है ना, वो अपने ही लोग हैं, वहां पे उन्हीं की नदियों में से जो इलेक्ट्रिसिटी निकाली जाती है वो उन तक ही नहीं पहुंचती। आप सोचिए हफ्ते में सिर्फ एक या दो दिन उनको लाइट मिलती है, अगर आप घंटों के हिसाब से देखें 20-20 घंटे अगर दिन के लोड शेडिंग होते हैं तो इन द होल वीक आपको कितने घंटे लाइट मिली, अगर आप चार 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 करके करें तो हार्डली एक या दो दिन, मतलब पूरे हफ्ते में दो दिन उनको इलेक्ट्रिसिटी होती है, बाकी दिन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, जबकि उन्हीं की नदियों से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो हम अच्छा, ये जब हमारा 370 हटा था, इंटरनेट काटा गया था, मैं खुद भी मैंने खुद मुजाहरा किया था कि भाई हमें हमारा इंटरनेट वापस दे दो, ठीक है, लेकिन वो सिक्योरिटी इश्यूज के लिए कुछ साल भर के लिए किया गया था, मानते हैं, फिर उसके बाद 2G ऑन कर दिया गया। बट माई पॉइंट इज POJK में तो है ही नहीं इंटरनेट, POJK में नेटवर्क ही नहीं है, इवन फोन नेटवर्क नहीं है, वो कुछ वहां से मैसेज भेजते हैं तो वो कम से कम 4-5 घंटे तक, कभी कभी तो पूरे 24 आवर्स तक गोल घूम रहा होता है, उनका मैसेज जाता ही नहीं किसी, वो इस तरह से जी रहे। तो हम इंडियंस, हमें कौन सी पैसों की कमी है, हम क्यों नहीं बोल सकते कि हम वहां पे टावर बनाएंगे बॉर्डर पे, हम POJK वालों को इंटरनेट देंगे, फोन सर्विसेज देंगे, हम देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो उनको दे नहीं रहा है, हम क्यों नहीं आवाज उठाते उनके लिए? हम कब तक, अब कश्मीर को डिफेंड, हमारे जम्मू कश्मीर को कब तक डिफेंड करते बैठेंगे और क्यों करेंगे, क्या जरूरत है? याना जी, बात तो आपने सही कही कि आफ्टर ऑल आप कश्मीर की हैं तो आपको कश्मीरियों का दर्द होगा, चाहे वो LOC के इस तरफ है या उस तरफ है, लेकिन बजाय इसके कि हम उनको आटा भेजें, हम उनके लिए टावर लगाएं, हम अपना POJK वापस क्यों नहीं ले लेते? इसलिए कि कश्मीरियों ने एक्सेशन ट्रीटी साइन की थी, तो इसीलिए की थी ना कि हमारे कश्मीर को बचाओ इन इन्वेडर्स से, तो हमारा कश्मीर POJK उनके कब्जे में है तो उसको वापस क्यों नहीं ले लेते? वापस कैसे लिया जाए आरिफ साहब, वही तो बात है, वापस कैसे लिया जाए, व्हाट इज द रोड मैप टू टेक इट बैक? अगर हम ऐसे ही वापस लेते तो वहां अपराइजिंग भी हो सकती है। देखिए जाहिर बात है वो पाकिस्तान के साथ तो खुश है नहीं, लेकिन इंडिया को लेके एक फियर उनके दिल में डाला जा चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पर लंदन में POJK कम्युनिटी से मिल चुकी हूँ, UK में जो है, नॉट ओनली लंदन में, कई जगहों पर जो उनकी कम्युनिटीज हैं उनसे मिल चुकी हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत मासूम लोग हैं, अनलाइक पाकिस्तानीज। इनको ये इतने इमोशनल है ना, तभी तो इनको इतनी आसानी से बरगलाया जाता है, तभी तो जो इनके जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो अनएजुकेटेड यूथ हैं, इनको बोला जाता है कि जुल्म हो रहा है मुसलमान बहु बेटियों पर, औरतों पर, उनके साथ अजमतरेजी हो रही है इंडिया में, ये हो रहा है, वहाँ मुसलमानों को नमाजें नहीं पढ़ने दिया जाता, कश्मीरियों को घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता, वो दूध लेने, दवाइयाँ लेने बाहर नहीं जा सकते, ऐसी चीज़ें उनको बोल बोल के बरगलाया गया है, ऐसे इमोशनल लोगों को, तभी तो ये फिर टेररिस्ट बन जाते हैं। मगर जब ये इस तरफ आके देखते हैं फिर इनका माइंड चेंज हो जाता है, जब ये मुझसे मिले इनका माइंड चेंज हो गया, सचमुच इंडिया आपको कोई तकलीफ नहीं देता, इंडिया को, मैं कहाँ से, क्या आप कह रहे हो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो,
आप आकर देखो तो सही, आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, कभी आओ, कभी देखो कि कौन सा हम पर जुल्म हो रहा है। हम तो राजी खुशी जी रहे हैं इंडिया में, खास करके कश्मीर। आज की तारीख में आरिफ साहब, कश्मीर सबसे शांतिपूर्ण जगह कश्मीर है। आप पूरे इंडिया में देखो, क्या वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, हल्द्वानी में क्या हो रहा है, कश्मीर इज पीसफुल। सुकून सबसे ज्यादा मोनो शांति आज कश्मीर में है। तो मतलब बोल क्या रहे हो आप लोग कि, मैं पीओजे के वालों से सवाल करती हूँ कि क्या बोल। उनको ये डर है कि इंडिया ने जबरदस्ती हम पर कब्जा किया हुआ है, ये डर उनका निकालना जरूरी है। उनको ये बताना जरूरी है कि आप हमारे लोग हो, आप, हम आपके लिए हैं, हम हेल्प करने के लिए हैं आपको, ठीक है ना। तभी तो वो खुद अंदर वहां पर अपराइजिंग करेंगे, वो कहेंगे कि भाई पाकिस्तान से तो वो है ही नाराज, लेकिन कम से कम उनको ये तो लगेगा कि इंडिया तो दोस्त है, इंडिया तो हमारा अपना है। तो जब वो अपराइजिंग वहां के लोग खुद करेंगे, वो खुद बगावत करने लगेंगे, तब भी तो हम वापस ले सकते हैं। जी याना जी, कश्मीरी जो यहाँ पे रहते हैं उनका तो मुझे समझ में आता है कि वो शुरू से ही पाकिस्तान हाई कमीशन से अटैच रहते हैं। मैं बेल्जियम में था जब, तो हमें भी फौरन मैसेज आ जाता था कि भाई आप दो तीन लोगों को लेके पहुंचे इंडियन एम्बेसी पे, प्रोटेस्ट करना है ये वो। लेकिन आज का जो पीओजेके में रहने वाला कश्मीरी है वो पाकिस्तान से तंग है। ये लोग तो अभी भी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग कश्मीरी नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि अब ये ब्रिटिश हैं, इनकी तीसरी चौथी नस्ल ब्रिटिश हो गई है। वहाँ पे एक अपराइजिंग तो है अगेंस्ट पाकिस्तान, नॉट प्रो इंडिया बट अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन क्या हम वहाँ पे एजुकेट नहीं कर सकते? जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि भारत वो करे जो पाकिस्तान ने जेएनके में किया। पाकिस्तान तो टेररिज्म करवाता था, पाकिस्तान टेररिस्ट ट्रेन करता था, भेजता था, फंडिंग करता था। लेकिन हम नहीं कह रहे कि भारत वहाँ पे टेररिज्म करे, आफ्टर ऑल दैट इज पार्ट ऑफ भारत। लेकिन कुछ ऐसे उनके एजुकेशन के हवाले से कि भाई देखें हम इंडिया में ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो कोई भारत को करना नहीं चाहिए। मैं वही तो कह रही हूँ कि उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भारत आपका दुश्मन नहीं है और भारत को टेररिज्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी अननोन गनमैन हैं जो वहाँ पे टेररिज्म कर रहे हैं, तो उसमें भारत को कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ लोग खुद ही आपस में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रहा है, तो भारत को उस तो ज़रूरत ही नहीं है। बस हाँ, ज़रूरत इतनी है कि जो अपने लोग हैं उनको ये बताया जाए कि आप हमारे अपने हो। देखो जैसे जम्मू कश्मीर, मैं तो पहले से ही मेरे दिल में इंडिया ही बसता था रग रग, लेकिन जम्मू कश्मीर में कई ऐसे लोग थे, मेरी फैमिली में भी कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक इंडिया पे पूरी तरह से भरोसा नहीं करते, अभी तक यानी कि कुछ एक दो साल पहले तक मैं बताऊँ। लेकिन उनका भी दिल जीता गया ना, कितने सारे हैं जिन्होंने पीआईएल देके रखा था सुप्रीम कोर्ट में 370 के खिलाफ, उन्होंने विड्रॉ किया ना पीआईएल, क्यों किया? कोई उनके साथ जोर जबरदस्ती थोड़ी हुई, उन्होंने दिल से किया क्योंकि उन्होंने देखा कि यार हाँ हम ऐसे ही डर रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट ने तो सचमुच बहुत चेंजेस की, हाँ अब वो खून खराबा नहीं होता, हड़तालें नहीं होती, बंद कॉल्स नहीं होते, स्टोन पेल्टिंग नहीं होती, यूथ जो है वो सही रास्ते पे चल पड़ा है, इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, राइज हो रही है। जब देख रहे हैं तो दिल तो जीता ही गया, तो जाहिर बात है क्योंकि भारत को हम माँ समझते हैं और माँ जो है वो बच्चे का भरोसा जीतना माँ के हाथ में है, ठीक है ना। तो अब माँ ने वो कर दिखाया, हमारी भारत माँ ने वो कर दिखाया कश्मीर में, तो फिर पीओजेके के लोगों के साथ क्यों नहीं करेंगे? वही करेंगे, उनको भी अपनी तरफ लाएंगे, और जो माँ होती है ना उसको टेररिज्म करने की जरूरत ही नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और याना मीर जी का ये पूरा इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और उसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे भारत की बेटी और कश्मीरी शेरनी याना मीर ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि पाकिस्तान को भी आईना दिखाया और खासकर भारत में रह रहे कुछ पाकिस्तानी प्रेमी हैं उनको भी उधेड़ के रख दिया। और याना मीर की जो स्पीच है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसकी सबसे फेमस लाइन जो वायरल हो रही है वो ये है कि आई एम नॉट मलाला, यानी वो भारत में बिल्कुल सेफ है, ना कि मलाला जो पाकिस्तान में अनसेफ थी जिसे तालिबान ने गोलियां मार दी थी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और याना मीर जी की बातें आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अगर आपको बातें अच्छी लगी और ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।